हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम। इसमें बात किया हम लोग ने कॉटेज इंडस्ट्री का। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कुछ टॉयज बनते हैं, कंपनी के थ्रू बनते हैं। उसके बाद दूसरा बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी इतना माइनस दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो ये जो कंडीशन है ना, ये हमें इक्वेशन देने के लिए हेल्पफुल होगा। फिर ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका दिन में, आपकी इंडस्ट्री है, दिन में आप दो टॉय बनाते हो, ठीक है, और एक टॉय का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 10 रुपए, ठीक है। सो आप दिन में कितने रुपए का टॉय बनाते हो? ऑब्वियसली दो टॉय मतलब 20 रुपए, ठीक है। कैसे निकाला आपने कॉस्टिंग? आपने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन टॉय। इससे अपने को क्या मिला, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओवरऑल टॉय इन दैट डे, ऑन दैट डे, ठीक है। सो वही हमारा जो है 750 है। बट हमें ये भी नहीं पता कि कितने सारे टॉयज बन रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सो वही तो अज्यूम करना पड़ेगा। हम क्या लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय बी वाई रुपीज पर टॉय, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें उसने क्या बोला है, कंडीशन क्या दिया है। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, उसमें पहली कंडीशन उसने क्या बोली है, उसने बोला है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन रुपीस वाज फाउंड टू बी 55, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब वाई इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे x। हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ टॉयज भी x पर डे, ये पर डे रुपीस पर डे, ये पर डे की बात हो रही है, ठीक है। सो हमारा टॉयज कितना है, x, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय है। सो उसका उसने रिलेशनशिप दिया है कि वो होगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये आपका नंबर वन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखो क्या दिया, एज पर सेकेंड कंडीशन के हिसाब से आपको बोला है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, एक तो नंबर ऑफ टॉयज इंटू एक टॉय का कॉस्ट वाई मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ कॉस्ट इंटू एक टॉय का कॉस्ट जो कि हो जाएगा आपको कितना बोला है 750, 750 रुपए का उस पर्टिकुलर दिन में, एक दिन में प्रोडक्शन कॉस्ट आता है सारे टॉयज का मिलाकर, जहां पे x नंबर ऑफ टॉयज है, y जो है एक टॉय का कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। अभी हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 55 माइनस x इंटू, सो हमें 1 इंटू डालना है। सो हमारा इक्वेशन नंबर टू क्या हो जाएगा, x इंटू व्हाट इज y 55 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 750। इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750। सो देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा, सबको राइट साइड में भेजते हैं, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, और ये यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है ना, आ रहे समझ में? अभी देखो, देयरफॉर आपके पास एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आ क्या गया है, ये हो जाएगा 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है,
मिडिल टर्म नेगेटिव है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो हमें बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा फैक्टर लाना है जिनको ऐड करके -55 आए, ठीक है, और दोनों का साइन नेगेटिव हो, समझो बात को, ऐड करके 55 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको 750 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, दिस इज 2 इनटू हाउ मच, 2 इनटू 375, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इनटू, क्या ये 2 के टेबल में जाएगा, नहीं, 3 के टेबल में कैसे चेक करोगे, सारे डिजिट को ऐड करो, 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15, क्या 15 3 से डिविजिबल है, है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा, दिस इज 3 इनटू 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 5 = 15, ये हो जाएगा 2 इनटू 3 इनटू 2 + 3 और 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8, 3 से नहीं जाएगा अब 5 से जाएगा, तो 5 × 25 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 5 × 5, अब इसमें से कुछ जुगाड़ करना है, एक पैर मतलब दो नंबर बनेंगे जिनको ऐड करके 55 आना चाहिए। अब देखते हैं 3 × 6 = 30, 30 और 25, 30 और 25 ये दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 55 आएगा, इसका मतलब क्या, आपका जो फैक्टर होगा वो ऐसे अरेंज होगा -30x - 25x + 750 = 0, सो देयरफॉर ये हो जाएगा x × x - 30 - 25 × x - 30, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x - 30 एक ब्रैकेट में x - 25 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x - 30 = 0 और x - 25 = 0, सो देयरफॉर x = 30 और x = 25, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि x 30 है, x या 25 दोनों वैल्यू हो सकती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो अभी हमें क्या पूछा था उसने, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज क्या लिया था हमने, x लिया था, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू 30 या तो और 25, ठीक है, दोनों भी आंसर पॉसिबल है, या तो 30 है या तो 25 है, ठीक है। सो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम कैसे करने हैं, ठीक है। सो इसी तरह के और सम हम करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम कुछ और सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यही एक्सरसाइज का, ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू प्लीज गो ऑन माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियोस, प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियोस आल्सो, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।